हेलो धर्मेंद्र। हाय अमित, कैसे हैं आप? यह एकदम फर्स्ट क्लास और एकदम हैप्पी भी हूँ। ओके। क्योंकि दोनों पैरों की सर्जरी हो गई है और पैर एकदम स्ट्रेट हो चुका है, तो मुझे बहुत खुशी है। सो बहुत एक्साइटेड भी हूँ, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली है, तो वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू यू। शायद अगर मैं आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आता या आपके चैनल के थ्रू अगर आपको नहीं जानता, तो शायद मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता और मैं नहीं कर पाता था सर्जरी। नहीं नहीं, उसमें आप मेरी नहीं, खास करके आपकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है ना, कि अभी जैसे हम लोग सब साथ में रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे का पेन समझते हैं, एक दूसरे की तकलीफें समझते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि नहीं नहीं, जितना बोलते हैं ना कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे उतना हम लोग को अच्छा रहेगा और जल्दी रिकवरी होगी सबके। और आपके सुपरविजन में और गाइडेंस में एक मोटिवेशन मिलता था कि चलो एक डिसिप्लिन वे में हम लोग को डेली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि हम लोग को एक आस रहती है कि हम लोग जितना जल्दी ठीक हो जाएंगे उतना जल्दी हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, स्ट्रेट पैरों पे। तो आज आपको कैसे लग रहा है? आज बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि एक बहुत सालों का एक सपना था कि अपने बोलेक्स जो है उसको करेक्ट करवा लूँ, तो आज जाकर वो सपना पूरा हुआ है, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। तो ट्रूली वेरी हैप्पी और बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि अभी जब मैं जाऊँगा तो जो चीज़ मैं पहले नहीं कर पाता था बोलेक्स के कारण, अभी मैं कर पाऊँगा। जींस पहनना, शॉर्ट्स पहनना, ओके, मैं स्विमिंग भी नहीं करता था, मुझे आती है लेकिन मैं नहीं करता था, बट अभी मैं फ्रीली स्विमिंग भी कर पाऊंगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे आपने गाइड किया है वैसे मैं एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करूंगा, ताकि पैरों की जो है स्ट्रेंथ वो और बढ़ पाए, और आगे जाकर मैं आपके कॉन्टेक्ट में भी रहूंगा, ताकि आपकी टिप्स से मैं थोड़ा, मुझे एक है कि मैं जिम ज्वाइन करूं और अपने जो मसल्स है पैरों के, थाइस के और काफ के, वो और डेवलप करूं और ओवरऑल बॉडी को एकदम फिट तरीके से मेंटेन रखो, तो डेफिनेटली मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा और आपकी हेल्प चाहिए रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये पूरी तरह से ठीक हो गए और ये अभी चल रहे हैं, शायद 25 दिन में ये अभी आप चल रहे हैं। यस यस, 25 दिन में मैंने बिना वॉकर के चलना चालू कर दिया। वैसे हम 30 डेज तक रहते हैं, पर ये 25 दिन में ही चलने लगे और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट थी इनकी। और मुझे आप बताइए कि पहले आपके बोलेक्स की जर्नी कैसे थी, मतलब क्या? ओके, तो मैं इतना कहूंगा कि मोर देन बोलते ना कि 25 ईयर्स मैं बोलेक्स से परेशान हूँ, यानी बोलेक्स कब से मुझे, सच कहूँ तो मुझे अंदाजा नहीं है, बट जब से मेरा अटेंशन गया है बोलेक्स की तरफ तब से मैं बहुत कॉशियस हो चुका था और बहुत बोलते ना कि इन्फीरियर फील करता था। मैं एकदम ओपनली किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता था, मिल नहीं पाता था, या अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाता था, और सच कहूँ तो मुझे शर्म आती थी, या तो अगर मैं कहूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो चुका था। तो वो चीज़ मैंने शायद सब लोग, जिन लोगों को ये परेशानी होती है सब लोग फेस करते, तो सिमिलरली मैंने भी वो सब तकलीफें फेस की है। मैं हमेशा सोचता था कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए या ऐसा कोई मिराकल हो जाए कि बोलेक्स जो है वो करेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो मैंने बहुत सालों से मैं वो चीज़ को ढूंढ रहा था लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। फॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से, पिछले तीन चार सालों से मैं अमित की चैनल का मेंबर हूँ, और तब से मैंने एक बोलते ना कि एक थोड़ी उम्मीद जागी थी मुझे कि ठीक है ये सॉल्यूशन है, और मुंबई में ही है तो डेफिनेटली, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मैं सोचा कि जब भी मैं मुंबई, यानी मैं एक्चुअली अब्रॉड रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं मुंबई जाऊँगा तो अमित से मिलूँगा और उनके गाइडेंस के हिसाब से मैं अपनी सर्जरी करवाऊँगा। तो मैं कोशिश कर रहा था पिछले एक साल से, लेकिन जॉब कमिटमेंट के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इस साल, लेकिन एक फर्म डिसीजन मैंने ले लिया था कि इस साल करना ही है, तो अमित की हेल्प से उन्होंने स्केड्यूल बराबर सेट कर दिया था ताकि मेरे दोनों पैरों की सर्जरी जो वेल प्लान मैनर में हो जाए, और मैं अमित के यहाँ पर ही रुका हूँ दोनों पैरों की सर्जरी के लिए। तो एकदम बोलो कि थोड़ा एक फ़र्क पड़ता है कि आप जब इनके पास रहते हो तो एक रूटीन आपका सेट रहता है, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, सोने का, तो और हर एक एक्टिविटीज़ का, तो उसके हिसाब से आपको पता रहता है कि क्या डाइट खाना है, ठीक है, और कौन से टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, और अगर आपको कोई अगर समझो कि कुछ डिफ़िकल्टीज हो रही है, जैसे कुछ पैरों में अचानक पेन होने लग गया या कुछ और भी कोई तकलीफ़ होती है, तो आपके पास अमित 24/7 रहता है, तो आप इमीडिएटली उनसे सॉल्यूशन ले सकते हो, और आपका बोलते हो फियर रहता है वो तकलीफों के कारण, तो वो इमीडिएटली चला जाता है, तो आप बोलते ना कि रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है अभी अमित है सामने, तो हम लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको होता है कभी कभी पेन होता है, ठीक है, आपके पैर जो होते हैं वो थोड़ा बेंड होने में तकलीफ होती है, तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये ठीक होगा या पैर बेंड होगा या नहीं होगा, बट यस, जब वो बताते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और आप ये कुछ एक्टिविटीज़ करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट हो जाती है।
तो वो सब चीज़ें जो रहती है बहुत कंफर्ट देती है, और शायद उसी का रिजल्ट है कि हम लोग की जो रिकवरी होती है बहुत फास्ट हो जाती है। और वही रीज़न है कि मैं अगर कहूँ तो 25 दिन में मेरा वॉकर छूट गया और मैं खुद चल चल सकता हूँ, और आज मैं अपने घर भी जा रहा हूँ। तो जैसे मतलब आप तो अब्रॉड रहते हैं और यहाँ पे भी मुंबई में रहते हैं स्पेशली, हमारे पास तो बाहर अलग स्टेट से या फिर अलग कंट्री से आते हैं, आप तो मुंबई में रहते हैं उसके बावजूद भी आप मेरे पास रुके हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं अब्रॉड में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज की छुट्टियाँ मिलती है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मैं कोई रिस्क लूँ और मैं खुद से कोई एक्सपेरिमेंट करके, बोलते ना कि कोई चांस लो, और समझो मैं अगर घर पे रहता था और ये कोई डिफिकल्टीज आती थी, या अगर मैं समझो कि कोई टाइमली कोई चीज़ें नहीं कर पाता था, तो हो सकता था कि मेरी रिकवरी जो टाइमली मैनर में नहीं हो सकती थी। बट मेरी मेरे जो यानी लीव्स थी वो बहुत टाइम बाउंड थी कि मुझे सिलेक्टिव पीरियड में ही ये करना है। और जैसे अमित के बाकी के पेशेंट्स लोग भी जो है वो 30 डेज में एक पैर ठीक करके, 2 महीने में दोनों पैर ठीक करके चले जा सकते हैं, तो बस उतना ही विंडो था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो अगर अमित के पास रहूँगा और ये चीज़ें जो है ठीक है वो बाकी के पेशेंट्स में पॉसिबल हुई है, तो शायद मेरे साथ भी हो सकती है, तो एक था। और अगर समझो आप घर पर रहते हो, तो एक और एक चैलेंज क्या आता है कि आप शायद एक कम्फर्ट जोन में रहते हो, और घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते ना कि वरीड हो जाते हैं कोई चीज़ों को लेकर, अगर आपको पेन है या आप थोड़ा ठीक से नहीं वॉक कर पा रहे हो तो उन लोग ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। तो मुझे ये था कि उन लोग को परेशान नहीं करना है, तो यहाँ पर हूँ तो उन घर वाले को भी एक कंफर्ट रहता है कि चलो अमित भैया के सुपरविजन में है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो है वो प्रॉपरली टेक केयर करेंगे हर चीज़ों का, और अगर कोई इश्यू भी आएगा तो वो मैनेज कर लेंगे। तो ये रीज़न थे कुछ जिसके कारण मैंने प्रेफर किया कि मैं मुंबई मेरा घर है, लेकिन मैं फिर भी अमित के यहाँ पर ही रुका हूँ दोनों लेग की सर्जरी के बाद, और दोनों का जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, खाने पीने से लेकर बोलते ना कि जो बाकी के लोग हैं, या अमित का जो बोलते ना कि एक पर्सनल जो कनेक्शन रहता है आपके साथ, तो एज अ ब्रदर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, और उनकी मम्मी जी जो है ठीक है वो अपने बच्चों की तरह ही सब पेशेंट्स लोगों की एकदम केयर करती है, तो वो अपनापन जो है तो हम लोग को ऐसा कभी फील नहीं होता कि हम लोग घर से बाहर हैं। तो मेरे केस में तो ये बहुत अच्छा था, मैं आपको जरूर मिस करूंगा क्योंकि आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। यस यस, नहीं मैं भी बहुत मिस करूंगा आप लोगों को, क्योंकि काफी गाइड किया है और काफी चीजें मैं सीखा हूँ आपसे भी। अरे मेरा ऑनर है ये, बट ये दिन कहाँ निकल गया मुझे पता नहीं चला, सच में जल्दी निकल गया। यस, बहुत 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 फटाफट चले गए। मैं एक लेग की सर्जरी के बाद वापस से गया था अपने ऑफिस के कमिटमेंट के कारण, और उसके बाद फिर 1 मंथ के गैप के बाद मैं आया था, बट जो दूसरे पैर का जो टाइम पीरियड था वो तो बहुत फटाफट चला गया, क्योंकि मुझे सब चीज़ें पता थी कि कहाँ से जर्नी चालू करनी है, किस तरीके से सब चीज़ें होने वाली है, और सब चीज़ें बोलते ना कि रूटीन पूरी यहाँ पर सेट हो चुकी थी, तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं अपने घर पे जाकर दूसरे पैर की सर्जरी का बोलते ना कि इलाज खुद से करूँ। नहीं, मैंने पहले ही माइंड बना लिया था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, अमित को मैंने कॉन्टेक्ट किया कि मैं आ रहा हूँ, मेरी सर्जरी डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है, तो आप जस्ट अभी एकोमोडेट कर दीजिएगा मुझे। तो उन्होंने पूरी अरेंजमेंट करके रखी थी हॉस्पिटल से घर पे, मैं ना उन्होंने लेकर आया मुझे, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। बस वो दिन था और आज का दिन है, कहाँ टाइम निकल गया पता नहीं चला, और एकदम परफेक्ट होकर मैं जा रहा हूँ, तो बहुत खुशी है। एंड वंस अगेन थैंक्स टू अमित, और अमित जी की मम्मी को भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी तरीके से हम सब की बहुत केयर की है, और मेरे बाकी के जो यानी फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग इतने टाइम से साथ में रहते थे, एकदम फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से दूर हूँ, तो बहुत अच्छे हम लोग के बोलते ना कि यानी रिलेशंस बन गए, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और एक दूसरे के साथ खाना पीना मस्ती मजाक करना, एंटरटेनमेंट टीवी देखते हैं या बातचीत करते रहते हैं, टाइम निकल जाता है, एक्सरसाइज करते हैं, तो वक्त का भी पता नहीं चलता है थोड़ा। हाँ। बाहर हम लोग बैठते हैं विटामिन डी लेने के लिए साथ में, तो वो भी एक चीज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, सुबह धूप देखना कि धूप कम निकल रही है नहीं निकल रही, तो रेस्ट करना। एग्जैक्टली, और ये जगह जो है बहुत बहुत अच्छी जगह है, आजू बाजू में पूरा कि ओपन एरिया है, ग्रीनरी है, तो और पॉल्यूशन फ्री और नॉइस फ्री जगह है, तो बहुत अच्छा लगता है, बोलते ना कि आपको एक जो नेचर के बोलते ना कि करीब होने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाता है, क्योंकि मैंने मुंबई में रहकर मैंने ये एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था, तो यहाँ पर जो जगह है वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत बोलते ना कि पीसफुल जगह है, तो बहुत अच्छा लगता है, खुली जगह है, और बहुत बहुत है ना बोलते ना कि रिलीफ मिलता है आपके माइंड को भी, और शायद वो भी एक फैक्टर होता है कि आपकी रिकवरी प्रोसेस बहुत बहुत एक्सपेडाइट हो जाती है। तो यही है दोस्तों, जैसे कि अभी ये घर जा रहे हैं ठीक होके, और काफ़ी हमारा मोटिव यही होता है कि पेशेंट जो है हमारे पास पूरी तरह से ठीक होके ही जाए, क्योंकि क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है सर्जरी करना, और
जैसे हमारे डॉक्टर है जो सर्जरी करते हैं, सभी की सर्जरीज उन्होंने ही की है, और मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट्स को हेल्प किया है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ें रहे तो वो तुरंत सबसे पहले फोकस करते हैं उन तक कि हाँ कैसे उनको ट्रीट करें, सब कुछ चीज़ें करें। और बस यही है कि हमारी कोशिश है पेशेंट अच्छी तरह से ठीक होकर घर जाए। हाँ, रिकवरी के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हमारे पास एक लड़की थी तो उसको इन्फेक्शन हुआ था। ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये चीज़ें ना हो जब आप घर में रहते हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो काफ़ी डेंजर हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को अपने पास रखते हैं ताकि कुछ भी चीज़ें हो जाए तो इंस्टेंट उस पर ट्रीटमेंट करें और उसको ठीक करें, बस दैट्स इट। और आज आप देख सकते हैं जैसे ये ठीक होके जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है, ज़रूर हम इनको बहुत मिस करेंगे। यस, मैं भी मिस करूँगा आप सभी को, सब आपको, मम्मी जी को और अपने दोस्तों को भी जरूर से मिस करूँगा। धर्मेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट ऑन मी, और आप यहाँ पर आए और अपनी ट्रीटमेंट की और आप पूरी तरह से ठीक हुए और आप आगे फ्यूचर में ऐसी तरह से फिट और फाइन रहे, और कोई भी दिक्कत हो आप हमेशा मुझे कॉल कर सकते। यस, श्योरली श्योरली श्योरली, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। शायद आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट डेफिनेटली मैं आपसे कॉन्टेक्ट में भी रहूँगा और आपके गाइडेंस की जरूरत रहेगी आगे भी, और यस नॉट ओनली फॉर नेक्स्ट वन ईयर, मैं उसके आगे भी आपसे आपके साथ टच में रहूंगा डेफिनेटली। और आप जब भी आए तो गेस्ट हाउस पे आए, हमसे मिले, हमारे पेशेंट से भी मिले, जरूर ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। डेफिनेटली जहां तक है ना पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से या जो मेरा जो रिजल्ट आया है उससे अगर किसी को थोड़ा भी अगर कुछ मोटिवेशन मिल सकता है या कोई फायदा हो सकता है तो डेफिनेटली मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं इंडिया आऊँ तो मैं यहाँ पर रहूँगा। थैंक यू सो मच, या बाय।